रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। ये आ गया साले स्टूडियो में। राम राम वालों को तारा भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट। साला भाई लोगों, आज बहुत दिनों के बाद में फिर से बनाएंगे हम बीट। और मेरे दिमाग में सच में आज कई दिन से बीट बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ड्रम आ रहा था जैसे इस तरीके का ड्रम बीट मेरे दिमाग में आ रही है। तो उस ड्रम बीट को बनाते, कुछ भी दिमाग में आए तो उसको सॉफ्टवेयर में निकाल के सेव कर लेना चाहिए। कैसे निकालता है अब देखो, दिमाग मेरे क्या आया। चलो देखते हैं कुछ बनता है क्या। तो पैक्स में जाएंगे, मुझे इसमें किक चाहिए थोड़ा, इसमें मतलब मस्त थोड़ा भारी वाला किक चाहिए। तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या अपने को यहाँ पे। वॉल्यूम 2 ड्रम 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 किक इसमें देखो। मुझे ये ठीक लगा। और थोड़ा स्लो बीट बनाने की मन में आ रही है, 90 के आसपास बनाते हैं कभी कभी। चलो फिर वापस यहाँ पे आएगा। हाँ बस बदल लेंगे, किक अच्छा नहीं लगा तो बाद में। अब मुझे इसके साथ यहाँ पे क्लैप हो रहा है। क्लैप क्लैप कहाँ है, ये रही कहाँ रही, ये रही रेगुलर क्लैप। तो अभी इसमें ग्रूव देना है बीच में, उसमें कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ पे मुझे परकसन चाहिए कुछ। परकसन में क्या क्या मिलता है देखते हैं। लो बदल लेंगे बाद में अगर नहीं अच्छा लगा तो। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि परकसन जो है इसको एक एक ऊंचा एक नीचा से ले लें थोड़ा सा। ओके तो परकसन अभी थोड़ा एक नहीं, ये अच्छा लगा, ये ठीक था। इसको भी किक के साथ में जोड़ दूं क्या मैं, अच्छा लगेगा क्या, पता नहीं देखते हैं। पा, पा, ये टा, टा, इससे नीचे जाएगा है, मुझे इसको नीचे देना, ऊंचा नहीं नीचे। और ये क्लैप जो है, क्लैप थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, दूसरी लगा के देखते हैं भाई। क्लैप स्टेडियम ये डाल के देखूंगा इसके साथ में। एक क्लैप और लगाएंगे रेगुलर, ये फ्री शिफ्टेड क्लैप भी लगा सकते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है प्री शिफ्टेड क्लैप। सेम लगाना पड़ेगा लेकिन इसको एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्री शिफ्टेड है। पियानो रोल काट सकता हूँ यहाँ से मैं सैंपल में जाके भी, लेकिन वहाँ से फिर वो सैंपल छोटा हो जाएगा तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा जो प्री शिफ्टेड क्लैप में आता है। देखते हैं इसको एक 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 स्टेप पीछे कर देता हूँ। दो यहाँ पे मैं एक लूप लगाना चाहूँगा हाई हेट का। ये हमारा पैटर्न बन गया और सिंपल पैटर्न है, कोई ज़्यादा डेड और शारीस में लगा ही नहीं है। लूप अगर मिल जाए कोई हाई हेट का तो देखते हूँ मैं। इधर है ड्रम सैम्पल्स एंड लूप्स, ड्रम लूप्स सेकंड लूप्स। हाँ मुझे ये ठीक लगा ना, ये नहीं ये वाला अच्छा लगा मुझे। ये है 100 BPM पे, तो इसको हम फिट टू टेम्पो करेंगे 100 पे। अब सुनो रुक रहे है। ओके ये तो हमारा ड्रम बन गया। अब इस ड्रम के ऊपर कुछ बढ़िया सी यू नो कुछ रिदम विदम कुछ बनाते हैं।
तो इस पे मैं कुछ कोड बनाऊं या फिर गिटार बनाऊं? गिटार बना के देखते हैं, फिर गिटार अच्छी नहीं लगी तो कोड बना लेंगे भाई, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या भाई मेरे को बताओ, कुछ दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ कमेंट में, कोड गिटार में कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई? नहीं आ रही ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फ्लेक्स में चलते हैं, फ्लेक्स में भाई ये गिटार जो थी ना भाई साहब, एक नंबर की, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई मेरे को ऐसे मिल गया, सुनो। हाँ भाई वाह। ये मैं कंप्यूटर कीबोर्ड से बजा रहा हूँ। ओके देखते हैं ये वाला, मुझे एक एक यूं ही आइडिया आया, तो इस आइडिया को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपन। इसको करेंगे अपन नोट्स एंड ऑटोमेशन। ओके थोड़ा सा आउट ऑफ वो है, कंट्रोल क्यू दबाएंगे और फिर देखेंगे सेट हो गया क्या। नहीं, सेट नहीं हुआ, कंट्रोल जेड। इसको मैं कर लेता हूँ 1/4 की जगह 1/2 बीट पे, ठीक है? अब कंट्रोल क्यू करते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा, 1/4 बीट पे करता हूँ कंट्रोल क्यू। इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर सकते हैं भाई हैंड भी, क्योंकि कॉर्ड में जो है ना, गिटार में एक चीज होती है, वो होती है ये, पा 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 पा। इसके साथ में पियानो की भी अपन डाल सकते हैं, कोड 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 कोड। वैसे कौन सी में है मुझे नहीं पता, अगर पता नहीं चले कि भाई ये अपन कौन सी की में अपन ने बनाई, क्योंकि मैंने बिना सोचे बनाई है ये की भी, मैंने कुछ ली नहीं है, तो अभी मेरे को पता करना हो कि ये। वैसे रिकॉर्डिंग देख लो एक बार मेरी, चल रही है? सीपीयू यूसेज बढ़िया, ठंडा पड़ा एकदम। हाँ, सही है भाई, मुझे देखना हो कि भाई ये कौन सी की है, मेरे को तो पता ही नहीं। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जाऊँगा देखो व्यू में, और इसमें जाऊँगा मैं स्केल हाईलाइटिंग में, इसको मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा यहाँ पर। अभी जब मैं इसके ऊपर घुमाऊंगा ना, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि मैं कौन सी की में हो सकता हूँ, एफएल स्टूडियो बताएगा यहाँ पे कोने में। तो मेरे को ई माइनर बता रहा है, ठीक है? तो ई माइनर बता रहा है, तो चलो अपन ई माइनर में सेट करके देखते हैं अपना जो मीडी कीबोर्ड है, जो अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसको। तो मैंने माइनर नेचुरल किया और ई कर दिया, ठीक है? उसके अलावा हम यहाँ पे व्यू में जाके, स्केल हाईलाइटिंग में जाके, मेरे भाइयों यहाँ पे भी जाके हम ई माइनर कर सकते हैं, और ये हमने माइनर नेचुरल सेलेक्ट किया और उसके बाद में ई अपन ने सेलेक्ट कर लिया। ओके तो अभी देखो, ये वाला यहाँ पे मैंने दूसरा लिया शायद, है ना? ओके ई माइनर में कर लेते हैं इसको अपन। और इसको अपन एक और चीज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, ये वाला, ये ना, ये नहीं है, ये वाला, हाँ ये स्नैप टू स्केल बटन है, यानी कि अगर अब तुम कोई भी बटन को हिलाओगे ना, टो 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 टो, कोई भी बटन को हिलाओगे तो वो सारे के सारे बटन जो भी हिलाओगे ना तुम ये इसमें पियानो रोल में, तो वो सारे की में ही हिलेंगे, की से बाहर नहीं हिलेंगे वो। अच्छा अब मैं फ्लैक्स में चलता हूँ फिर से, और मैं यहाँ से एक पियानो उठा लेता हूँ, एक अच्छा सा, एक डांस पियानो नहीं है क्या हमारे पास में? हाँ
अभी मैंने उसका नहीं, मुझे हल्का सी देखो इसको थोड़ा सा भाई ऑन बीट करने के लिए मैं इसको एक बार चार बीट पे कर देता हूँ। मुझे एक गिटार और चाहिए। कौन सी गिटार हो जाएगी? म्यूटेड गिटार। इस तरीके से म्यूटेड गिटार दिखाओ भाई मेरे को, स्टील नहीं चाहिए। म्यूटेड कहाँ पे हमारी यारी? इस तरीके से रुक भाई, ये कहाँ पे है? म्यूटेड गिटार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रो? आ पा पा आ पा 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 इसको फिर मैं थोड़ी सी स्विंग दूंगा इसमें, इसमें स्विंग लग सकती है क्या? इसमें लग सकती है क्या स्विंग? देखेंगे। Okay. Let us see whether we can put any kind of swing in this or not, bro. We have to see it. Whether we can put any swing here in this muted guitar or not. Cut मारेंगे भाई इसको और muted guitar का अलग से बना लेंगे भाई। कौन समझाएगे? हाँ, ये अलग से बना लिया भाई अपन ने और यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब स्विंग डाल के देखता हूँ उसमें। यही तो चाहिए था मेरे को। देखो कितना फर्क पड़ता है स्विंग से। स्विंग पहले मेरे को बहुत बुरी लगती थी भाई। मैं पहले स्टूडियो स्टार्ट किया चलाना तो मैंने देखा भाई ये क्या बकवास चीज़ देती है यार, ये तो टाइम से खराब करती है इसको। फिर पता चला भाई स्विंग तो बड़ी मस्त चीज़ है। देखो ये देखो बिना स्विंग के मजा नहीं आया। अब स्विंग के साथ में आया है
सुनते हैं। अब इसकी जगह म्यूटेड गिटार की जगह एक चीज और लगा सकते हैं, जो जो पंजाबी सॉन्ग में बजता है ना टंबुरिया टिंग 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 टिंग, वैसा साउंड आ रहा है। तो अपने पास वो तो नहीं है पंजाबी वाला, लेकिन उसकी जगह मैं कोई इंडियन इंस्ट्रूमेंट लगा सकता हूँ जिससे उसी का सा साउंड आएगा उसके साथ टंग 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 टंग। बैंजो देखो, पम 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 पम, देखो एक आधा ऊंचा कर देता टन 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 टन। ये वाला लूंगा ऊपर, ये वाला ठीक है। इसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं अपन, मतलब जो इसकी साउंड है उसको पैन कर सकते हैं इधर से उधर से चारों तरफ से आए। तो उसके लिए अपने को ऑप्शन आर दबाना पड़ेगा शायद। हाँ ये रहा पैन, ठीक है। ओके इसके साथ में मुझे लगता है इसमें वो भी डाल दे, अपन ढोल भी डाल दे तो बहुत मजा आ जाएगा। मेरे को गिटार बदलनी है अभी, मुझे कॉर्ड बदलनी है क्योंकि ये फील अब लगा गया सॉन्ग का। तो मैं इसको ना गिटार जो अपन ने लगाई थी ना स्टार्ट में उसको मैं चेंज करूँगा। पाँ 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 पाँ, इस तरीके से है ना, कि ये बीच वाला जो है ना ये स्विंग अब इससे नीचे गिटार से नीचे है अपने को, ये चाहिए अपने को अपने तंबूरा जो भी बज रहा है वो जिसको बोलते हैं तुम भी बज दी, तुम भी तो नहीं है बैंजो लगाया मैंने लेकिन तुम भी का साउंड दे रहा है। और टोल बजदा तुम भी बज दी, बहुत नाचे भाई इस गाने पर शादियों में बहुत नाचे। हाँ भाई स्कोर भी बदलेगी भाई साहब, तुम भी के हिसाब से कोड लगाएंगे। पाँ पाँ पाँ। मुझे लगता है इसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ पाँ पाँ पाँ। ओके या फिर इसमें मतलब गिटार नहीं लगानी, इसमें गिटार नहीं सेट होगी, इसमें कुछ 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 हॉर्न जैसे पॉ 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 ऐसा सा कुछ, जो कि मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको लेकिन ढूंढ लेंगे अपन उसको बोलते हैं शायद हॉर्न बोलते हैं उसको, हॉर्न पॉ 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 ऐसा सा कुछ है मैं कई बार खो जाता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा तो देखता हूँ मैं कहीं मिल जाए तो एक बार सोलो करके सुनते हैं इसको, ताकि मुझे वो चीज़ जैसे आए तो मुझे पता चल जाए वो। नहीं पाँ 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 पाँ। देखो भाई रिकॉर्डिंग तो चल जाएगा, मैं सारा काम कर लूँ पता से, रिकॉर्डिंग बंद हो गई नहीं चल रही। ओके पाँ। चर्च बेल, चर्च ऑर्गन, चर्च क्वायर ना पाँ। पाँ पाँ पाँ। हॉर्न हॉर्न हॉर्न, इको गिटार, पियानो, एक्सप्लोजन, फ्लूट, गनशॉट, हेलोपैड, हार्ट बीट, आप ना ना ये भी नहीं है हॉर्न। हाँ पा 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 पा। इसको मैं तुम्बी के साथ सुनूंगा, तुम्बी के साथ में, क्योंकि ढोल भी बजता तुम भी बजती। इसका हॉर्न का थोड़ा रिवर्ब कम करें, रिवर्ब ज़्यादा आ रहा है इसमें, डिले भी ज़्यादा आ रहा है, डिले कहाँ पे भाई, ये तो रिवर्ब है इसको कम कर दिया मैंने, डिले डिले है ही नहीं क्या, ठीक है रिवर्ब की साइज़ कम कर दूँ। पाँ 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 पाँ
मुंह से निकाल के सुनना पड़ेगा। हाँ ये तो बोला था मैं। यहाँ पे आएगा पॉ, ओके फिर वापस से वो आएगा पा पा पा, बीच बीच में और भी कुछ जोड़ते रहेंगे। ठीक है लेट मी सी इट, ये कुछ बनेगा भाई इसका मतलब। पप्पा पप्पा थोड़ा छोटा देना पड़ेगा, पप्पा ऐसे देना पप्पा। देखते सुनते हैं इसको सारे के साथ में कैसा साउंड कर रहा है, कैसा फील आ रहा है इसमें। मैं को नहीं पता कैसा आ रहा फील, देखना पड़ेगा। चल भाई ये क्या चल गया, और भी कुछ चल गया इसके साथ में। अच्छा पियानो और चल रहा था, अरे अरे पियानो नीचे भी। इसमें थोड़ा मैं भाई मैं नहीं रोक सकता अपने आप को इस पे ढोल लगाने, अगर ढोल पड़े मेरे पास तो मैं लगाऊंगा, पर मुझे देखने पड़ेंगे पड़े भी है या नहीं। आई हैव टू लुक इन टू ब्रो, गजब है ब्रो ये तो। कितना है ओ भाई, इसको अपने को कितने बार पे करने का है। यहाँ पे देखो टाइम होता ना, इस पे टाइम पे जाके दो बार करूँ मैं तो ये सेट हो जाएगा अपने आप, हो गई ना। सुनो तो ऐसे ना पाऊँ क्या, जैसे कोई भी पंजाबी गाना मेरे याद नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे ढोलक चालू हो गया, वोकल वोकल भी है मेरे पास, ढोलक चालू हो गया। नहीं नहीं धीरे धीरे ब्रो धीरे, यहाँ पे चलाओ फिर टू टेम्पो। दो तरीके से कर सकते हैं, टाइम पे जाके यहाँ से भी कर सकते हैं दो बार पे। ओके सुनते हैं देखा ढोलक कैसी लगती है। ब्रो ये जो ढोलक है ये हमारी ट्यून नहीं है, ये वाला लगा के देखते हैं। नहीं सेट नहीं हो रही, सेट नहीं हो रही, ढोल लगा के देखें या फिर ये सुने इसके साथ में सुनना। अब यहां पे देखो क्लैशिंग हो रही है दोनों में, ढफली में और इसमें। देखो तो मैं ढफली का एक काम करूंगा, ढफली को मैं कुछ भी नंबर पे डाल देता हूँ, जैसे मैं इसको 8 नंबर पे डाल देता हूँ,
और इसका यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी जो है मैं हटा देता हूँ इसकी। ओके हाँ अभी सही है। कोड में मजा नहीं आ रहा, कोड में मतलब मजा आ ही नहीं रहा ससुर, तो मैं पियानो ही कोड बना के देखता हूँ एक बार नॉर्मल कोड। ओके ये नॉर्मल कोड हो गए अपनी। अब ये दिस इज नॉर्मल कोड, एक्सट्रीमली नॉर्मल, इसी को कोई ऊंडा सुंदा करके देखेंगे। पियानो की लगानी नहीं मुझे कॉल। इस तरीके की कोई हैप्पी हैप्पी साउंडिंग कोड मुझे लगानी है। बताऊँ किस तरीके की सुनाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो एफएल स्टूडियो में यहाँ पे एक स्पीकर आता है ये वाला, इसको दबा के सुन सकते हैं। ओके पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ कि कटे तो ठीक से एक जगह पे, ये 1/3 होगी मेरे ख्याल से इसकी बीटी। नहीं भाई ये ठीक से नहीं कट रही है, 1/3 में नहीं कटेगी। टा 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 कुछ ज्यादा ही गिटार जो है वो ज्यादा ही हाँ ये ठीक सी है थोड़ी, इतनी कानों में चुभ नहीं रही। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन भाई साहब बैठ के ना बीट में टाइम करना पड़ता है। अभी जैसे मुझे ही अच्छा लग रहा है इसके साथ में, एक चीज़ और बता दूँ तुमको मैं, है ना, मैं देख लेता हूँ पहले रिकॉर्डिंग चल रही का, वो चीज़ में लट के जोर से बताता हूँ तुमको कि लाइव बीट मेकिंग बिना कोई दिमाग में आइडिया के तुम्हारे सामने एक ही चैनल पर होती है, वो होती है जीतू बीट्स पे।
क्योंकि और किसी में दम नहीं है भाई ये चीज़ करने का, लाइव बैठ के किसी में दम नहीं है बीट बनाने का। तुम बोलोगे भाई वीडियो डालते, लो डालते भाई वीडियो लोग, लेकिन वो एडिट करके डालते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डर और तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसको कहीं से काटता पीटता कुछ नहीं, एकदम लाइव डालता हूँ। तो भाई दिखाते रहोगे अच्छी लग रही है, तुम और डालता रहो। अब ये थोड़ा सा मुझे इसका रिवर्ब थोड़ा ठीक करना है ना, मजा नहीं आया। मैं इसका रिवर्ब अपने हिसाब से दूंगा, ठीक है? ओके, कितने नंबर पे है ये? कितने भी नंबर पे नहीं है क्या? 11 नंबर पे डाल दूँ इसको, या मैं रिवर्ब अपना लगा लेता हूँ एक बार। और मैं जो चला रहा हूँ ना, मतलब बना रहा हूँ, ये भी कीबोर्ड कंप्यूटर का काम ही रहा हूँ, कोई स्पेशल चीज़ काम में नहीं ले रहा मैं कि तुम नहीं ले सकते, वो सेम तुम भी काम में लेके तुम भी कर सकते हो भाई, यही टाइम पास जो मैं कर रहा हूँ। तो बीट बनाने मज़ा नहीं आया ना, तो भाई बीट बनाने का कोई मज़ा ही नहीं। फिर चलो रिकॉर्ड करके देखता हूँ मैं, हो जाए तो। अरे यार गलत हो गया, ओके। फिर से गलत हो गया, दूसरा पार्ट गलत हुआ, एक पार्ट तो सही हो गया, वहां तक गलत हुआ, देखता हूँ सुनता हूँ। ये वाला गलत हुआ ना, ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे, इसको देखो क्लोजेस्ट पे लेके आऊँगा, जैसे क्लोजेस्ट है इसका 1/4, कंट्रोल ए कंट्रोल क्यू, सुनते हैं। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा इसका लो फ्रिक्वेंसी जो है इसकी थोड़ी सी डाल सकता हूँ इसमें, थोड़ा सा ऐसे करके। देखो गिटार में ना, गिटार का मैं अलग अलग सुर कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इसको चलो इसको तो रहने देते हैं, इसका क्लोन करते हैं और क्लोन करके इसको एक और इसमें एक और पैटर्न बनाने की कोशिश में करता हूँ। तो देखो हाँ ये वाला उठा देते हैं, और इसके साथ है मुझे थोड़ा डार्क डार्क वाइब वाला चाहिए, ऑप्शन एल दबाएंगे ना तो ये सारा पास में चला जाएगा, मुझे थोड़ा डार्क वाइब का चाहिए, थोड़ा ब्राइट है गिटार का जो साउंड है ना, इस वाली को मैं बंद कर देता हूँ, ब्राइट नहीं चाहिए मुझे, डार्क टाइप में चाहिए कुछ, मतलब यू नो यू डोंट नो। देखो यहाँ पे देखते हैं कुछ, इसमें भी नहीं है कुछ, सकुरा में देखूं क्या? नहीं सर, सकुरा नहीं, साइट्रस में रिप्लेस साइट्रस, कुछ कुछ मतलब डार्क जो इतना इतना ब्राइट नहीं हो, ब्राइट नहीं, ब्राइट में मुझे आगे वाली वो सिर्प चाहिए जो भी अपनी मेलोडी बज रही, पर क्या लगा मेरे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, प्लक्ट ये लगा देखूं, और भाई ज़्यादा डार्क हो गया था। मैं यहाँ पे पैड लगाऊँ, कोई पियानो लगाऊँ, ग्रांड एफएम रोड्स, चलो इस पियानो को एक बार मैं डार्क वैसे बना लेता हूँ कि इसको मैं डाल देता हूँ 12 नंबर पे, ठीक है, और इसका मैं हाई फ्रिक्वेंसी काटता हूँ।
तो मैं मुंह से निकाल के मुंह से करके देखा, मुंह से करके देखता हूँ मैं, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ उसको मैं, देखिए मुंह से निकाल सकता हूँ तुम भी की आवाज़ में, तुम भी बोलते क्या बोलते उसको मेरे को नहीं पता, जो बोलते हैं चेक करते हैं अपन। भाई साहब मेरा सांस भर गई, बंद करता हूँ इसको मैं। मुझे वाले लूप ठीक लगा थोड़ा फील देगा बस बैकग्राउंड में और कुछ नहीं। वो तुम भी कासा, तुम भी वजदी, हाँ यहाँ फिर से देखो अपन इसकी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। एक एक था कहीं पे, ये यहाँ पे था शायद, ये रहा देखो यहाँ से बढ़ा सकते हैं आवाज़ को। चलो भाई सुनाओ चला के, थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा, सिर्फ 8 पे तो कुछ डाला हुआ है, 9 नंबर पे डाल लेता हूँ इसकी, लो फ्रिक्वेंसी काटनी पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा स्टीरियो कर देता हूँ, साइड में देता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूँ सुनते हैं। भाई पता ही नहीं चल रहा फील उसका सा आ रहा है, किसको बता दो ना मुंह से निकाली। थोड़ा कंप्रेस और कर भाई, सच में बढ़िया निकाला यार मैंने उसे भाई, एक नंबर का। क्या हो गया ये साइड चेन क्या कर रहा है भाई, साइड चेन नहीं करना कंप्रेस करना। चलो अभी इस पर कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। क्या लगाएं भाई, ढोल लगाएं क्या, ढोल सैंपल लाइब्रेरी, ढोल 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 हेरा ढोल ढोल। पहचान में पे है ये, एकदम अपने आसपास ही पड़ता है तो यही जाएंगे अपन। कितने बार में आ रहा है ब्रो ये, 2 बार में आ रहा है ना, तो यहाँ टाइम पर जाएंगे 2 बार करेंगे। अरे भाई ये भी जोड़ना है मेरे को ये भी जोड़ने का है ब्रो इसमें। आ पंजाबी गाना बहुत आता है ये। आ आ आ चलो जोड़ते हैं 1 2 3 4 गिन के, ठीक है। ऑडियो इन प्लेलिस्ट ऑडियो क्लिप। वैसे मैंने आज पंजाबी बीट पे सोच के नहीं बनाई थी लेकिन बन गई भाई। चलो सारा, ओ मैंने सारा एक साथ ही गा दिया, मैंने कहा क्यों भाई काट पीट के कौन लगाएगा, अरे उसको तो बंद करो सुनो, मैंने सारा जो है ओ एक साथ ही लगा दिया। अभी एक चीज और लगाऊंगा इसमें, मेरे को वो भी करने में बहुत मजा आता है। चलो
कि ये चला गया नहीं, तो मैंने म्यूट कर दिया उसको। थोड़ा सा वो है, मतलब आह आह जो है ना वो थोड़ा सा लेट चल रहा है, इसको थोड़ा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई मज़ा आ गया मेरे को तो, बड़ा मज़ा आ गया। ये मैंने इसको ऑप्शन करके इधर किया और थोड़ा सा आगे करेंगे बस थोड़ा सा। और एक बड़ा चार बीट ऑप्शन देखते सुनते भाई चलना। रिकॉर्डिंग तो बंद कर देते हैं, अभी भी थोड़ा सा लेट है। ये ब्र का क्या हो गया, हवा आ गई क्या इसमें, माइक्रोफोन डिस्टोर्शन हो गया क्या, देखते हैं। माइक्रोफोन डिस्टोर्ट हो गया भाई एक बार तो, दूसरी बार में सही भाग नहीं हुआ। माइक्रोफोन डिस्टोर्शन हो गया, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये जो है नीचे रख के, यहाँ पे रख के यूँ गाऊंगा ना मैं तब। चलो माइक्रोफोन में हवा चल जाती तो फिर वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, डिस्टोर्शन हो जाता उसमें। चलो फिर से करते हैं। मुझे लगता है मेरे को पॉप फिल्टर लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं पार पड़ेगी। सुनते हैं, पॉप फिल्टर लगाना ही पड़ेगा, पॉप फिल्टर से होगा काम। ये इसका पॉप फिल्टर काम नहीं कर रहा मेरे को। ओके मैंने पॉप फिल्टर निकाल दिया था लेकिन मुझे लगाना पड़ेगा, अभी लगाता हूँ मैं। सारा काम लाइव हो रहा था, ये भी लाइव ही होगा हमारे सामने। ये लो भाई, इसको बोलते हैं पीओपी फिल्टर, बड़े काम की चीज़ है इस ऐसे टाइम पे। रुक जा, ये लगाना। ओके चलो करता हूँ मैं, अब की बार नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, पॉप नहीं आना चाहिए कुछ। इतना ही जरूरी थी इसका, अब की बार मेरे हिसाब से ठीक रिकॉर्ड हुआ होगा, जो अब की बार एकदम सही रिकॉर्ड हुआ। सुनना ये शायद मेरे मुंह से निकल नहीं पा रहा है, ये शायद मेरी आवाज दब रही है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास वैसे वो भी है, वोकल पैक भी है। देखो इसका मेरे जैसा है, इसका यहाँ से सही है, मेरा यहाँ पे दब गया। देखो यहाँ पे मेरा दब गया, इसका सही चल रहा है। अभी सुनते, ये मेरे को थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, मेरा ए यहाँ पे आएगा। तो चलो मैंने रिकॉर्ड किया, उससे मुझे ये तो फ़ायदा हो गया। मैं मेरी दो दो वॉइस रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक ये है, मैंने रिकॉर्ड किया उससे मुझे ये तो फ़ायदा हो गया कि मैं इसको कहाँ तक स्ट्रेच करना है मुझे ये पता है अभी। और स्ट्रेच करने से पहले मैं इसको स्ट्रेच प्रो पे कर दूंगा, ठीक है। अभी सुनते हैं, ओके सैंपल को आउट में थोड़ा कम कर देंगे और आ, आ, भी मेरे पास में वो है ओक। मेरे पास ये भी है, तो ये भी डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। इंसर्ट वन, ये सेम जगह पे आएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो बार बार यहीं पे आएगा। स्टार्ट से सुनते हैं, दो
दो छोड़ के आएगा, दो छोड़ के आता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, तो ये दो छोड़ के यहाँ पे आएगा, पहले आ गया, फिर एक यहाँ पे आएगा, सही है। हाँ, उसके बाद में वही सेम कॉपी पेस्ट करना, और कुछ भी नहीं, नॉर्मल कॉपी पेस्ट। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे। बैटरी कम हो गई भाई मेरे फोन की, जो कि मेरा कैमरा भी है। कुछ और भी चल गया क्या? तो ये वाले म्यूटेड गिटार को मैं रख सकता हूँ, लेकिन इसकी आवाज मुझे कम करनी, क्योंकि ये ज्यादा हावी हो रही है उस पर, म्यूटेड गिटार। और म्यूटेड गिटार है कौन सी है भाई? ये बेंजो नहीं, पर बेंजो तो मैंने उसमें भी बनाया हुआ ना। कंट्रोल ए दबाएंगे और इसकी वेलोसिटी पे जाएंगे, थोड़ी कम करूँगा इसको, और कम। यहाँ पे आएगा ब्र, और देन लास्ट में इसको काट देना अपने को, या फिर स्ट्रेच ना करूँ तो भी सही रहेगा। इसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया ब्र, तो मैं इस ब्र को स्ट्रेच, ऑटोमेटिक स्ट्रेच तो नहीं हो गया ना ये, क्या गया, कम स्ट्रेच करता हूँ, और मैं इसी के बराबर करके इसको, जहाँ पे ये चालू हो रहा है वहीं पे इस... ओके सही है। और भी कुछ हे भी डाल सकते हैं, तुम हे इस तरीके से। ओके चक दे अट्टे नप दे गिल्ली, आज बिहार कल दिल्ली। दो सेकंड भाई, क्या हो गया, ये मिस्टेक होगी के बाहर पे ले जाओ। इसके साथ में एक थोड़ी सी और, अगर इसमें थोड़ा और भरवा देना हो, बाकी तो जैसे कोई सॉन्ग अगर इस पर लिखा जाएगा, कोई गाना लिखा जाएगा, कोई लिरिक्स दिमाग में आएगी, तो उसके हिसाब से होगा। मुझे जल्दी सी वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बैटरी जो है ख़त्म होने वाली कैमरे की। और इसके आगे एक चीज़ और लगा सकता हूँ मैं दो मिनट में, बैटरी ख़त्म होने से पहले, और वो है क्या है, वो है अपने पास में बेस, सब बेस लगा सकते हैं। सब बेस जो है वो सिंपल सा है, हिसाब किताब है सब बेस का, तो कि जो भी अपने गिटार या फिर अपने पियानो की जो कोड्स है, उन कोड्स को कॉपी करने का है, एंड देन कंट्रोल सी दबाने का है। ओके, और सब बेस जो है वो मिलती है सबसे बढ़िया एफएल स्टूडियो में अभी के लिए, तो साइट्रस में, और साइट्रस में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रीसेट में, प्रीसेट में जाके यहाँ पे हम ब्रो जाएंगे सब बेस या फिर सब बेस 2 में, वट एवर यू लाइक, एज पर योर चॉइस, एज पर योर टेस्ट, डजेंट मैटर इन द एंड, इन डजेंट मैटर।
कंट्रोल अप दबा देंगे, C5 पे है, A4 पे है, ठीक है सुनते हैं। देखो सब बेस से कितना फर्क पड़ता है कि अब मैं ये सब बेस के साथ चलाता हूँ और सब बेस यूज बंद करूंगा तो तुमको लगा कुछ खाली हो गया। चलो मैं इस पे कुछ रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। ओ बारी बरसी खटन गया आंधी खटके लियादा, खटके लियादा क्या, बारी बरसी खटन गया जी खटके लियादा पर्दा। हाँ चलो अभी रिकॉर्ड करता हूँ मैं, लेट्स डू इट ब्रो। रुकना भाई। ओ बारी बरसी खटन गया नी खटके ले आदा परदा, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आदा परदा, ओ जी तू भी पकड़ाना सिखा दे भाई। इतना बुरा रिकॉर्डिंग कभी नहीं हुई होगी। बारी मैं क्या गा रहा था मैं सुना देता हूँ क्योंकि मैं इसके सुर के हिसाब से नहीं गा पा रहा, थोड़ा ऊंचा। बारी बरसी खटन खटन ले आन, मेरे को पंजाबी तो नहीं आती सॉरी। बारी बरसी खटके ले आंशी खटके ले आदा पर दाओ जी तू बीट बनाना सिखा दे, ओ मारा गाने का जी करदार जी तू बीट बनाना सिखा दे। तो सिखा दिया भाई लोगों, वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो होने वाला डिसचार्ज और वो बंद हो जाए, उससे पहले मैं वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि सारा प्रोजेक्ट भी सेव मैंने नहीं किया। कंट्रोल एस पंजाबी टाइप, पंजाबी टाइप YT यानी YouTube लाइव। आज क्या तारीख हो गई, आज हो गई 17 मार्च, मार्च MAR 2024, ठीक है। तो भाई लोग ये थी बीट, बीट सुनते रहो और मजे करते रहो, बनाते रहो मजे करते रहो, सुनते रहो मजे करते रहो, और जो भी बनाओ मेरे को भेज दिया करो ताकि मुझे अच्छी लगी तो मैं चैनल पे यहाँ पे चला के भी दिखा दूंगा, कोई भाई की बीट होगी उसके नाम के साथ में तो अच्छा लगता है। तुम जो बना के भेजो वो भी मैं तुमको दिखाऊँ। सुनो भाई पंजाबी ढोल जिसका कोई भी इरादा नहीं था लेकिन बन गया वो भी मिस्टेक से। धारावाई जीतू, बीट बनाते रहो मजे करते रहो, चलता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम।